हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले लायूस लैब्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 14 रुपए की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक 4% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 4.5% की तेजी देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर 1%, परंतु 1 महीने में 3.5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और 3 महीने में से स्टॉक में 15% की तेजी देखने को मिल रही है, 6 महीने में 7%। तो अगर हम इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, परंतु 3 महीने से इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म में चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे का एक लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया 280 रुपीज। 280 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक लोअर सर्किट लगा और यहीं से स्टॉक में एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जहां पर स्टॉक का एक हाई बनता हुआ नजर आया 372 रुपीज। 372 रुपीज के से स्टॉक में एक हाई बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। अभी स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 313 रुपीज। 313 रुपीज के से स्टॉक में नीचे के एक सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इससे स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 337 रुपीज की एक स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 375 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिलती है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए और लॉन्ग टर्म का व्यू रखे, वहां पर एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।